तो फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपने क्लिप को कैपकट में ओपन कर लेना है। क्लिप को एडिट करने से पहले आप लोगों को वीडियो के लास्ट में कैपकट का लोगो नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने इसको डिलीट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अपने वीडियो की वॉइस को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को वॉल्यूम वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप लोगों ने वॉल्यूम का लेवल 0 पे कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अपनी वीडियो में इफेक्ट को ऐड करेंगे। इफेक्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को इफेक्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने वीडियो इफेक्ट्स पे आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को लेंस वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने एज ग्लो वाले इफेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको अपनी फुल वीडियो पे अप्लाई कर लेंगे। इफेक्ट को फुल वीडियो पे अप्लाई करने के बाद नीचे वाली साइड पे आप लोगों को एडजस्टमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से आप लोगों ने इसका लेवल 20 के आसपास कर देना है। इतना करने के बाद आप लोगों ने इसको डन कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अपनी वीडियो में HDR इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। उसके लिए आप लोगों ने वीडियो इफेक्ट्स में आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को शार्पन एजेस वाला इफेक्ट नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने कुछ इस तरह से इसको फुल वीडियो पे अप्लाई कर लेना है। इफेक्ट को फुल वीडियो पे अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने इसके एडजस्टमेंट में आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने शार्पन का लेवल 40 कर देना है और जो फिल्टर का लेवल होगा आप लोगों ने 40 के आसपास कर देना है। इतना करने के बाद आप लोगों ने इसको टर्न कर देना है। तो फ्रेंड्स, दोनों इफेक्ट को वीडियो पे अप्लाई करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हम लोगों की वीडियो की क्वालिटी पहले से कितनी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अपनी वीडियो के इस हिस्से में जूम इन इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। उसके लिए आप लोगों ने वीडियो इफेक्ट्स में आ जाना है। नीचे वाली साइड पर आप लोगों को ऑप्टिकल जूम वाला इफेक्ट नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अपनी वीडियो के लास्ट में स्लोमो को ऐड करेंगे। वीडियो के जितने पार्ट को आप लोग स्लोमो करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद आप लोगों ने स्पीड में आ जाना है। इसके बाद आप लोगों ने नॉर्मल में आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने स्पीड का लेवल -5x कर देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्मूथ स्लोमो का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से आप लोगों ने बेटर क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से की पिच को ऑन कर लेना है। इतना करने के बाद आप लोगों ने इसको डन कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों की वीडियो पे स्मूथ स्लोमो ऐड हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अपनी वीडियो में ग्लो आइज इफेक्ट को ऐड करेंगे। उसके लिए आप लोगों ने इफेक्ट्स में आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को बॉडी इफेक्ट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने ट्रेंडिंग इफेक्ट्स में आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को लाइटिंग आइज का इफेक्ट नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ग्लो आइज इफेक्ट को ऐड करने के बाद हम लोग एक मरतबा देख लेंगे हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ग्लो आइज इफेक्ट ऐड हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अपनी वीडियो में बैट के साउंड को ऐड करेंगे। साउंड को ऐड करने के लिए आप लोगों ने ऑडियो में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को साउंड्स वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है और डिवाइस में आने के बाद आप लोगों ने बैट साउंड को यहाँ से ऐड कर लेना है। बैट साउंड का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप इजीली इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साउंड को ऐड करने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट होगा हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। बैट साउंड को आप लोगों ने उस जगह पर एडजस्ट कर लेना है जहां पे बैट्समैन बॉल को हिट लगा रहा है और बैट्समैन की नेक्स्ट हिट पर आप लोगों ने इसी साउंड को कॉपी कर लेना है और वहाँ पर आप लोगों ने एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे और जहाँ पे बैट्समैन नेक्स्ट हिट लगा रहे हैं हम लोग इसको वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद हम लोग अपनी वीडियो में यहाँ पे जूम इन वाले साउंड को ऐड कर देंगे। इसके लिए आप लोगों ने ऑडियो में आ जाना है। उसके बाद आप लोगों ने साउंड को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आप लोगों ने जूम इन वाले साउंड को ऐड कर लेना है। इस साउंड का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूँगा, आप इजीली इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले साउंड इफेक्ट में आप लोगों को काफ़ी सारे इफेक्ट्स के साउंड मिल जाएंगे, तो इनमें से आप लोग किसी भी साउंड इफेक्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस वाले साउंड इफेक्ट को यहाँ पे ऐड कर लूँगा और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट होगा यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो हम लोग इस साउंड को वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे जहाँ पे हम लोगों ने जूम इन वाले इफेक्ट को अप्लाई किया था। तो हम लोगों की वीडियो रेडी हो चुकी है। तो लास्ट स्टेप में हम लोग अपनी वीडियो में सॉन्ग को ऐड कर लेंगे।
आप लोग चाहें तो किसी भी सॉन्ग को ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। वीडियो पे कॉपीराइट का इशू ना आए तो इसलिए मैं इस वाले सॉन्ग का यूज़ करूँगा। सॉन्ग का जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा हम लोग यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों की वीडियो एडिट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।